Are you guys ready? Yep. Yes, sir. Yes, sir. ये आपका गल्फ ऑयल ह्यूमन हैंड पंप टास्क है. पीछे क्रेन है और साइड में एक बकेट है. बेसिकली लड़की को एक लोटे के साथ बकेट भरना है. लड़की क्रेन के उस एंड पे बंधी होगी. जब वो नीचे जाएंगी तो पानी में होंगी, वहां से वो लोटा भर सकती हैं. फिर ऊपर जाएंगी और वो लोटा उल्टा सकती हैं बकेट में. दूसरी तरफ से लड़के रस्सी से उनको खींचेंगे. जब खींचेंगे तो ऊपर जाएंगे, जब छोड़ेंगे तो नीचे जाएंगे. ह्यूमन हैंड पंप. इसमें बहुत स्ट्रेंथ लगने वाली थी. रशिका ठीक है 40-45 किलो की है, पर वो जो लोहा है वो लोहा बहुत भारी है. क्रेन को खींचना उठाना मुश्किल था बिकॉज मेरा ज्यादा वेट है, आई थिंक राजकुमार से ज्यादा. अभी आप लोगों को ये अंदाजा लगाना है कि आप कितने मिनट में ये बकेट भर सकते हैं. से फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूंगा 20 मिनट. आप लोगों को ये बिड करना है कि ठीक है हम 20 मिनट में कर देंगे. दूसरा चैलेंज करेंगे हम 19 मिनट में कर देंगे. फिर आप उसको बिड कर सकते हैं, नहीं हम 18 मिनट में कर देंगे. जैसे आपको लगता है कि ये नहीं हो सकता और दीज गाइज शुड वॉक द टॉक, जो बोल रहे हैं करके दिखाएं, आप चैलेंज कर सकते हैं. जो भी दावा करें कि कितने मिनट में भरना है उसके अंदर अंदर भरना है. अगर उतने टाइम में नहीं किया तो बिना दूसरों के परफॉर्म किए आपको घर जाना पड़ेगा. बकेट के ऊपर एक मार्क है लाल रंग का, दिख रहा है आपको? Yes. Yes. आपको वहां तक बकेट को भरना है. वहां तक भर गया मैं बोलूंगा टाइम स्टॉप, डन. Are you guys ready for walk to talk now? Yes, sir. Come. 20 मिनट में ये हो सकता है. इसमें बोली ज्यादा टाइम के लिए लगाने की, 21 मिनट कम टाइम के लिए. तो बोली आपको कम 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 नंबर के लिए लगानी है. Ready? Yes, sir. 3, 2, 1, go. 20 मिनट में कौन करेगा? I'll do it in 19. 19 में करेंगे आप? आज आपको खींचना है उनको 18? 17. 17. एक लेवल तक हमें. इतना ज्यादा प्रेशर दिमाग पे पड़ गया था. एक गलती और हम घर पहुंच जाएंगे. 16. इनसिक्योरिटी थोड़ी ज्यादा हो गई थी कि यार ये अगर हमें ज्यादा नीचे तक ले गए तब अगर इन्होंने अगर कह दिया वॉक द टॉक बस तब तो अपनी लग जाएगी. 15. मेरा प्लानिंग ये था कि जैसे ही 12-13 मिनट तक पहुंचेगा मैं इस लड़की को चैलेंज कर दूंगा. 15 मिनट्स गोइंग वंस. अगर मैं 14 बोलती तो उसने मुझे बोलना था वॉक द टॉक. वॉक द टॉक. आप कह रहे हैं कि निक और रशिका को 15 मिनट में बकेट भर के दिखाओ. वॉक द टॉक. अगर इन्हें कर दिया तो यहीं से वापस घर, ठीक है? और अगर नहीं किया तो ये वहीं से घर, आप लोग यहीं रहेंगे. You're happy with this decision? Yes, sir. Are you happy? Yes, sir. All right. Best of luck. Thanks. You go get harnessed. Thank you, sir. आप लोग चिल करिए. 15. सिड ने जो गेम पिछले बार खेली थी शायद वही गेम हमने खेली है. और उसी तरीके से जैसे ऋषि शो से बाहर हो गया वैसे ही निक भी शो से बाहर हो जाएगा. ये दोनों ये टास्क 15 मिनट में नहीं कर पाएंगे. इम्पॉसिबल. लोग सोच रहे हैं दैट यू नो व्हाट आई एम द वीक कंटेस्टेंट और मे बी शी इज द वीक कंटेस्टेंट. उन लोगों का सबका मुंह बंद करना है हम लोगों ने. बाकी गॉड इज वॉचिंग. माँ बाप की दुआ साथ में हमारे. देखो क्या होता है. बेस्ट वे टू डू दिस टास्क इज इफ यू गो नॉन स्टॉप. सबके मुंह बंद हो जाएंगे. इट्स टाइम फॉर यू टू वॉक द टॉक. योर टाइम स्टार्ट्स इन 3, 2, 1 गो. पहली बात हमें हाइट से भी बहुत डर लगता है और दूसरी बात हमें पानी से भी बहुत डर लगता है. एक इंसिडेंट हुआ, रशिका एकदम से नीचे गई. वो एक सेकंड सर्वाइव करना पानी में, वो लग रहा था कि बस अब जान निकल जाएगी. चल 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 चल. फर्स्ट टू टाइम्स में पानी में वो ज़्यादा डीप इन चली गई तो मैंने मेक श्योर किया कि यू नो जब मैं ऊपर जा रहा हूँ और नीचे जा रहा हूँ तो मैं थोड़ा स्लो करूँ ताकि उसे डर ना लगे. मैं बिल्कुल आराम से करूँगा तेरे को चोट नहीं लगेगी. आराम से. तू फुल कंट्रोल में मेरे. ये टास्क जितना देखने में डिफिकल्ट लग रहा था उतना ही ईजी तरीके से निक उसको उठा रहा था. और बहुत ज्यादा दिमाग में टेंशन आ गया था कि यार ये क्या हो रहा है, ये तो अप डाउन अप डाउन अप डाउन, ये लोग सीसॉ खेल रहे हैं. पानी जब बकेट में वो डालती तो बहुत ज्यादा पानी नीचे गिर जाता था और मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि भगवान प्लीज इसके हाथ से लोटा छूट जाए या फिर कुछ ऐसा हो जाए जहाँ पे ये लोग का बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाए. पानी बाहर मत गिरने दे. Ah, very good, very good.
मैं पूरे तरीके से बोल रहा था कम ऑन रशिका लोटा छोड़ दे, लोटा नीचे से पकड़ ताकि लोटा छूट जाए। That was really shitty, you know. तुम perform करने आए हो. Have that sportsmanship spirit in you. हाँ, जोर से कीज, जोर से, हाँ, धक्का मार दे बाजी को, जोर से, धक्का मार दे बाजी को. पांच सात बार करने के बाद मेरे हाथ में थोड़ी जान खत्म होने लगी. उस वक्त मेरे हाथ से वो रस्सी स्लिप होने लगी. अब मजा आएगा अगर ये रस्सी छूट जाए और रशिका धाएं से अपने मुंह के साथ पानी में गिर जाए, जिससे उनका टाइम वेस्ट होगा और ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा. छोड़, छोड़ दे लोटा। मेरे हाथ से रस्सी खिसकने वाली थी और मेरी आर्म स्ट्रेंथ खत्म हो रही थी. निक हाँफ रहा था और उसके हाथों से रस्सी छूट रही थी और उसके मुंह पे वो डिफिकल्टी लेवल दिख रही थी. मैंने महर की तरफ देखा और हम दोनों स्माइल कर रहे थे कि यस, हम जीतेंगे ये टास्क और ये लोग आज घर जा रहे हैं. रस्सी का ग्रिप बनाना मेरे लिए बहुत मुश्किल था. पांच सात बार खींचने के बाद मेरे को रियलाइज हुआ मेरी स्ट्रेटजी गलत है. आप लोगों को पता है आप कहाँ पे अभी? कुलधरा. इंडिया में अगर आप हॉन्टेड प्लेसेस में जाएंगे तो ऑफ कोर्स भानगढ़ और ऐसी जगह आती है, उसमें कुलधरा भी एक है. तब एक बार को सबके गूज़बम्स निकल गए कि यार ये भूतिया जगह हमें लेकर आ गई, यहाँ पर हमें कौन सा ऐसा टास्क कराएंगे. इट वॉज वंस अ प्लेस जहाँ पर लोग आते थे दूर दूर से पैसे कमाने के लिए और क्योंकि इट वॉज डूइंग सो वेल. सो आई एम थिंकिंग कि अगर रोडीज की जर्नी पे ये शुरुआत होनी है मनी टास्क की तो ये यहीं से होनी चाहिए. अच्छा लग रहा था कि फाइनली अब हम अपनी मेहनत से पैसा कमाएंगे. अभी रोडीज के अकाउंट में क्या पैसा है? जीरो. आप लोग बढ़ाना चाहते हैं उसको? यस सर. मेरे पीछे आप लोग एक कुछ कॉन्ट्रैप्शन देख रहे होंगे. लड़कियां सब हार्नेस्ट होंगी और वो ऊपर टंगी होंगी. हर पोल के साइड में एक पाउच है. पाउच के अंदर है कंचे. लड़कियों को हवा में ऊपर जाना पड़ेगा, कंचे निकालने होंगे और उनके हाथ में एक बैम्बू स्टिक देंगे जो आधा कटा हुआ है. इट्स लाइक अ रैम. उसके अंदर आप कंचा छोड़ेंगे, सीधा जाके सामने एक कढ़ाई रखी हुई है उसके अंदर आपको वो कंचा गिराना है. एक बार में आप सिर्फ एक कंचे को रोल कर सकते हैं. जब भी आप ये कंचा बैम्बू के थ्रू डाल रहे हो, यू हैव टू बी इन द एयर. आप जमीन पे नहीं हो सकते और आप पोल को पकड़े हुए नहीं हो सकते. रेड टेप मार्क दिख रहा है सबको. यू हैव टू बी अबव देयर, तभी काउंट होगा. आप ऊपर कैसे जाएंगे? लड़के आपको खींच रहे होंगे दूसरी तरफ से. टास्क के बारे में सुन के मैं बहुत रिलैक्स था क्योंकि ये स्ट्रेंथ बेस्ड टास्क था. सारे लड़कों में से आई कैन प्राउडली से कि आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग ऑल. ऑब्वियसली लड़कियों, वहां पे एक पोल है, यू कैन हेल्प योरसेल्फ अप. अगर आप एकदम नीचे आ गई और आपको लड़के पकड़ नहीं पाए तो घबराइए मत उनको रोकने के लिए, सो दैट दे डोंट लाइक गो एंड बैंग इनटू यू गाइस. बीच में हमने बार्ब्ड वायर लगाया है, दे विल जस्ट हिट दैट एंड दे विल गेट स्टॉप. हर पाउच में 15 कंचे, 15 × 6 = 90. हर कंचे का जो आपने कढ़ाई में डाले आपको मिलेंगे 2,000 रुपए, विच इज हाउ मच, 1,80,000 रुपए. अगर आपने 90 के 90 मार्बल्स उन 6 कढ़ाइयों में डाल दिए, बिकॉज आपकी परफॉर्मेंस 100% होगी, आई विल गिव यू अनदर 20,000 रुपीज. एक राउंड फिगर 2 लाख का, कि पहले ही मनी टास्क में रोडीज ने 2 लाख रुपए कमा लिए. पूरा से जान लगा दूंगा, 15 के 15 बॉल्स डाल के ही रहनी है. हम इतना खुश हो गए, भगवान करे पूरे 2 लाख के 2 लाख मिले हमको. नाउ यू डिसाइड कि यार अगर हमें ज्यादा से ज्यादा मार्बल्स उसके अंदर डालने हैं, कौन किसको खींचेगा, क्यों खींचेगा, यू कैन गो विद एनीथिंग. मैं आप लोगों को 2 मिनट का टाइम देता हूँ ये डिसाइड करने के लिए. सिट, इधर आ, मेरी बात सुन. दो लोग सबसे स्ट्रॉन्ग है, तू और मैं, और दो लोग सबसे भारी है, मेहर और ये. आई वॉन्टेड, हमारी स्ट्रैटर्जी ये थी, जिसका जितना वेट है वो उतने वेट के हिसाब की बंदी उठाएगा. इट विल बी इजी फॉर हिम और हर टू कैरी दैट मच ऑफ वेट और टास्क अच्छे से हो जाएगा. मेरी बात सुन, तू इसको पिक करेगा तो मैं मेहर को पिक करता हूँ. अगर तुमको मेहर से प्रॉब्लम है, मैं मेहर को पिक करूंगा. सिद्धार्थ वांटेड टू चूज मी, पर लेकिन मुझे हमेशा सिद्धार्थ के साथ एक पॉइंट से वो रहता है कि कहीं अगर मैं नहीं अच्छा परफॉर्म कर पाई तो ही विल ब्लेम मी द रीजन फॉर दैट टास्क. तू मेहर को पिक कर, व्हाट्स अ बिग डील मैन, मनी टास्क है. डूड, तू जितना स्मार्ट बन रहा था ना, तू है नहीं. तूने सबसे भारी लड़की चूज करी नोइंग दैट कि तू मुझसे ज्यादा स्ट्रांग नहीं है. डिसाइड कर लिया आप लोगों ने? यस सर. पूरे टास्क के लिए आपके पास 15 मिनट है. Best of luck, girls, go get harnessed.
बात अब सिर्फ पैसे कमाने की नहीं रह गई थी, बात थी वो कलंक उतारने की। जो मैं वॉक द टॉक में गया था, मुझे ये बोला गया था कि मैं परफॉर्मर नहीं हूँ, और अभी मेरी ईगो पे बात आ गई थी। मुझको अपने पार्टनर पे बहुत विश्वास है, पहले भी उसने मेरी बहुत हेल्प करी है। 100% देना, बस यहाँ पे भी पूरे एफर्ट्स डालने हैं टीम स्पिरिट के साथ। पार्टनर से मैं खुश हूँ, बट पता नहीं एक्चुअली वो थोड़ी स्लो है टास्क समझने में, तो उसको पता नहीं दिमाग लगाना आएगा, आईक्यू यूज करना आएगा टास्क करते टाइम या नहीं, ये बस प्रॉब्लम है। तो हमारी इशारों से चलेगी और थोड़ा पेशेंटली काम करना अच्छा जाता है। बाकी बेस्ट ऑफ लक। आप लोग 15 मिनट है, योर टाइम स्टार्ट्स इन 3 2 1 गो। जैसे ही टास्क चालू हुआ ऊपर हमने सोचा खींचना ही तो है, खींचेंगे पीछे तक और रस्सी इतनी बड़ी बैलेंस कर लेंगे, पैर अटका लेंगे। दिस इज नॉट इजी। मेरे को रियलाइज हुआ कि यार ये लड़की बहुत हैवी। उस समय ना लड़के कायदे से लड़कियों को खींच पा रहे थे, ना ही तो लड़कियां खुद को हॉप करके चढ़ पा रही थी। काफी टाइम वेस्ट हुआ कि ऊपर ही चढ़ा नहीं जा रहा था, तो मेरे को लगा शिट आई कांट डू दिस राइट नाउ। लेकिन विल पावर थी, क्या करना है तो करना है। ये आप लोगों का हीरो पोल क्लाइंबिंग टास्क है। यू सी दैट पोल इन द मिडल? यस सर। उस पोल के इर्द गिर्द नीचे अगर आप देखिए एक रिंग है, आपके हाथों में हथकड़ी लगी होगी, एक रस्सी होगी, रस्सी इज कनेक्टेड टू द रिंग, उस रिंग को आपको पोल के ऊपर से निकालना है। ऑब्वियसली आपको पोल को चढ़ना पड़ेगा, बिकॉज वो रिंग को आप ऐसे निकाल नहीं पाएंगे उसके ऊपर से। चढ़ने के लिए पोल के अंदर अलग अलग होल्स बनाए हुए हैं, आप उस होल्स के अंदर एक लैडर बना सकते हैं यूजिंग स्मॉल पीसेस ऑफ वुड, जो यहाँ पे बेटन्स जो टंगे हुए हैं साइड में। एक टाइम पे आप सिर्फ एक पीस ऑफ वुड उठा सकते हैं, जैसे ही वो रिंग निकलेगा पोल के ऊपर से आपका टाइम स्टॉप हो जाएगा। मैं कम लेट्स टू द हीरो पोल क्लाइंबिंग टास्क। हमारा आखिरी रैंकिंग टास्क है, तो मेरे को यही था कि महर किसी भी कीमत पे तुझे फर्स्ट आना है, फर्स्ट आना है। मैं रेडी? यस सर। ऑलराइट, योर टाइम स्टार्ट्स इन 3 2 1 गो। महर का परफॉर्मेंस शुरू हुआ, तो उसने एक डंडा निकाला, होल में डाला, दूसरा निकाला, होल में डाला, ऊपर 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 करती गई। बहुत फुर्ती में थी वो, उसको देख के लग रहा था कि शायद वो बाइक जीत जाए। जो फोर्थ वाला होल था वहां मेरी रिंग थोड़ी अटक रही थी। जल्दी 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 रिंग उधर को घुमा लेना, रिंग उधर को घुमा ले। ये रहा, यहां पर है। उसको थोड़ा बहुत गाइडेंस दिया जा रहा था, लेकिन हल्का फुल्का, वो भी जितना शायद मॉन्टेक बोल रहा था और मैं बोल रहा था। निखिल राजे चुप, इधर इधर राइट साइड पे, इधर 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 इधर। निखिल एंड अजय दोनों ने एक बार भी मुझे पीछे से आवाज भी नहीं मारी कि हाँ महर तो ये लकड़ी वहाँ से निकाल, महर वो लकड़ी यहाँ से निकाल, एक बार भी मुझे बोला नहीं। तो वो बात मुझे कहीं ना कहीं अंदर इतनी चुभी थी, पर मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी। Come on, महर, this is time. तो उस टाइम खाली रणवीर सर की मुझे आवाज सुन रही थी, मुझे वो मोटिवेट कर रही थी। हीरो इंपल्स जीतना कि नहीं जीतना, चलो। जैसे मैं लकड़ी वो होल में डाल रही थी, तो मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा था कि मैं ऊपर तक चली जाऊंगी आराम से। एक और की जरूरत है सिर्फ। मैं काफी स्विफ्ट थी, काफी फास्ट कर रही थी टास्क, बट इन सब में लड़कियां जो थी वो होल के साथ में ही बजी हुई थी। उनका एक लिमिट थी कि वो एक लिमिट के आगे जा नहीं सकती थी। रिंग को इधर देखिए आप यार। हां खींच खींच ले ले ऊपर ले खींच। अब मुझे बहुत खुशी हुई, मैं कह यू नो महर तूने कर लिया यार, मुझे लगा मैंने अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। जैसे हम नेट पे खड़े हुए, तो उस टाइम पे मेरे दिमाग में कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। हमें सिर्फ ये बस पहले था कि हमें टास्क कंप्लीट करना है, थोड़ा सा ज्यादा टाइम अगर लग भी जाता है तो भी ठीक है। गो फटाफट, जितने निकाल सकते हो उतने निकाल। शाबाश शाबाश, चल अभी इसको ही छोड़ दे, अगला पकड़। जैसे वो आई निखिल और अजय, चालू भाग के जा। रशिका पीछे देख, तेरे वो डंडा पीछे आ रहा है। रशिका उधर, रशिका उधर, रशिका मतलब मैं देख रही थी, मैंने कहा वाह। मेहर को तो इतने डायरेक्शन नहीं दे रहे थे, क्या बात है। राशिका सबके लिए छोटी सी बच्ची की दर्दी शो में वो सबको भैया करके दीदी करके बात करती थी, और तो हम उसको बूस्टअप करने की कोशिश कर रहे थे। कंटिन्यू कंटिन्यू, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू।
बिकॉज हमने एक अटेम्प्ट देख लिया था तो हम लोग चाह रहे थे कि हम उसको गाइड करें कि कैसे डालनी है। सबकी बातें सुन के इतना कंफ्यूज हो गए थे लाइक कहां जाएं किधर से लॉक निकालें। इधर 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 कम ऑन रशिका। वो इतना स्लो हो गई थी उसे ध्यान ही नहीं था वो टास्क में वो कहां है चुपचाप से लगी हुई अपना। रशिका फर्स्ट आना है तो थोड़ा तेज करना पड़ेगा आपको। कम ऑन चल 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 बहुत लास्ट है लास्ट है लास्ट है बस चढ़ते चली जाओ। काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी टास्क कंप्लीट करने में। धूप इतनी ज्यादा ऊपर से वो लॉग में रस्सी बार बार फंसना और फिर जुकाम की वजह से काफी ज्यादा बुरी प्रॉब्लम हो रही थी। सांस भी नहीं ले पा रहे थे रस्सी भी इधर उधर नहीं दिख रही थी एक कान भी बंद हो गया था। चल 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 पहले लास्ट पोल पे चढ़ जाओ। निकालो रिंग को निकालो इसके ऊपर से। आपको ये समझाया था मैंने। चलो चल लास्ट पोल पे चल 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 डन। मेरे बाद अभी गरिमा दी को भी आना हो तो थोड़ा सा उनमें दिमाग की भी थोड़ी सी कमी है तो मैं ऐसा लग रहा था कि काफी उन्हें टाइम लग जाएगा। 3, 2, 1, गो। ये रैंकिंग टास्क बहुत ही इंपॉर्टेंट था मेरे लिए। बस मुझे था कि मुझे फर्स्ट आना है और मैं सबसे स्ट्रॉन्ग लड़का इनमें से चूज करना ताकि मैं आगे सर्वाइव कर सकूं। 3-4 तक पहुंचते पहुंचते उन्हें एक बार ऊपर चढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। और कहाँ है डंडे बिल्कुल जहाँ रोक खत्म हो रहा है उनको मोड़ा गया उन्हीं के बीच में छुपाए गए थे कुछ आगे थे जो दिख गए थे लेकिन कुछ बिल्कुल एंड में थे छुप रखे थे। और डंडा नहीं है कोई मेरी हेल्प नहीं कर रहा था उस टाइम। इसका कोई नेचर नहीं है कोई दीनिमान नहीं है जहाँ इसको मौका मिलता है रंग बदल लेती है। दैट्स वेयर एवरीबॉडी वाज डिसअपॉइंटेड एट गरिमा। जब आप नहीं थे यहाँ पे और रशिका कर रही थी बहुत लोग उसको डायरेक्शन दे रहे थे। भाई मुझे ही बता दो चढ़ तो सही पहले। रणविजय सर ने उस टाइम बोला कि अब तुम्हारे मुंह नहीं खुल रहे तो उनकी रिस्पेक्ट की वजह से वहीं से उत्कर्ष अजय बोलने लगे। ये रहा ये रहा ये रहा गरिमा गुड गोइंग चल 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 अच्छा है बहुत अच्छा है। बस मुझे था मुझे जल्दी से जल्दी ये टास्क करना है। मुझे लगा शायद मैं नीचे उतरने में टाइम लगेगा क्योंकि मेरा पैर काफी कांप रहा था लेफ्ट नी तो बस मैं एकदम से कूदी हड़बड़ाहट में। उसे 7th वुड की जरूरत नहीं थी। She had enough amount of height, but as dumb she is, she just came down